घर का माहौल साजगार और नेक बनाने के लिए माँ बाप का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि बच्चों के लिए उन्होंने एग्जाम्पल बनना होता है। इसके लिए दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर एक, नमाज की वक्त पर अदायगी। नंबर दो, कुरान मजीद की रोजाना तिलावत। घर के माहौल में अगर ये दो चीजें आप ले आते हैं कि जो ही अजान हो घर के सब काम का छोड़कर मर्द हजरात मस्जिद का रुख करें और ख्वातीन घर में नमाज का एहतमाम करें, इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि औलाद के दिल में वक्त की पाबंदी और नमाज की अहमियत बैठ जाएगी और बच्चे भी नमाजी बनेंगे। और दूसरी चीज, कुरान मजीद की तिलावत। ये अगर दिन में दोनों वक्त हो, यानी सुबह भी हो और शाम भी, तो बहुत बेहतर है, वरना किसी एक वक्त में तो ये जरूर होनी चाहिए। इसका मामूल होगा तो माहौल में पाकीजगी आएगी, कुरान की बरकात मिलना शुरू होंगी, क्योंकि जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं। तो जिस घर में ये रहमत के फरिश्ते उतरते होंगे वहाँ कितनी अमेजिंग बरकतें होंगी। यहाँ एक बात जहन नशीन कर ली जाए कि हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिस घर में कुत्ता, जानदार की तस्वीर और जुम्बी, यानी ऐसा शख्स हो जिसको गुसल करना ज़रूरी हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये बात मैंने इसलिए बताई कि ऐसा ना हो कि आप रहमत हासिल करने की कोशिश में लगे रहें मगर जिन चीज़ों ने रहमत के फरिश्ते रोक रखे हैं उन पर ध्यान ही ना दें। बरकतें हासिल करनी हैं तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। अगर बच गए तो इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। बरकत हो गई तो अल्लाह पाक थोड़े को भी ज़्यादा कर देता है और घर अमन सुकून का गहवारा बन जाता है। अल्लाह पाक हमें दीनों दुनिया की बरकत